नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दैनिक करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 अगस्त 2023 के दैनिक करंट अफेयर्स प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं तथा सभी राज्यों की पीसीएस परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज क्वेश्चन है। वीडियो में आपको इन क्वेश्चंस का आंसर तथा आंसर का स्पष्टीकरण, यानी कि इन सारे प्रश्नों के उत्तर तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण भी दिया जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का जीएसटी संग्रह जुलाई 2023 महीने के लिए कितना है? 1.45 लाख करोड़, 1.85 लाख करोड़ रुपए, 1.65 लाख करोड़ रुपए, 1.15 लाख करोड़ रुपए। सही उत्तर है 1.65 लाख करोड़ रुपए। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से भारत का सकल राजस्व जुलाई 2023 में 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर रुपए 1.65 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। जुलाई का संग्रह पिछले महीने के जीएसटी संग्रह से 2.2% अधिक था। हालांकि 10.8% पर यह पिछले साल के इसी महीने के राजस्व की तुलना में जुलाई 2021 के बाद से संग्रह में सबसे धीमी वृद्धि थी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किया गया? मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो कार्यक्रमों उन्मेष, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और उत्कर्ष लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश का दौरा करने वाली है। ये कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा क्रमशः साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम। सही उत्तर है असम। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन के थीम गीत के साथ वन और पर्यावरण विभाग के अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन और लकड़ी आधारित उद्योग पंजीकरण वेब पोर्टल लॉन्च किया। यह एक पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों द्वारा राज्य भर में कुल 1 करोड़ व्यावसायिक रूप से व्यवहार पौधे लगाना है। स्टारलैब स्टेशन वोयाजर स्पेस और किस संस्था का संयुक्त उद्यम है? स्पेसएक्स, एयरबस, नासा, इसरो। सही उत्तर है एयरबस। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028-2030 तक चलने वाले अंतरराष्ट्रीय समझौतों के साथ अपने संचालन के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के हिस्से के रूप में ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बदलने की दृष्टि से नासा ने विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। वोयाजर स्पेस और एयरबस ने स्टारलैब स्टेशन के निर्माण और संचालन के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने की घोषणा की। संयुक्त
उद्यम में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और उसके सदस्य देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों को सेवा देने के लिए एक यूरोपीय संयुक्त उद्यम इकाई होगी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में आयुष वीजा नाम से एक नई वीजा श्रेणी शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। सही उत्तर है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने हाल ही में भारत में चिकित्सीय देखभाल, कल्याण और योग सहित चिकित्सा उपचार की आवश्यकता वाले विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा नाम से एक नई वीजा श्रेणी शुरू की है। आयुष प्रणाली या भारतीय चिकित्सा के तहत इलाज चाहने वाले विदेशी आगंतुकों के लिए एक समर्पित वीजा कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयुष वीजा की शुरुआत की गई है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि ऐसे ही दैनिक करंट अफेयर्स संबंधित वीडियोस आपको इस चैनल पर दैनिक मिल सके तथा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।